अलीगढ़ जिले की तहसील खेर के दो पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमा पंजीकृत करने के चलते ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिला अध्यक्ष सुखवीर शर्मा ने बताया कि एसएसपी ने उन्हें भरोसा देते हुए कहा कि इस संबंध में एसपीआरए को जांच दी जाएगी। वहीं जांच पूरी होने तक किसी भी पत्रकार की गिरफ्तारी नहीं होगी, वहीं किसी भी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। इस वक्त हैं हम एसएसपी कार्यालय अलीगढ़ और यहां पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष श्री सुखवीर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज पत्रकारों की समस्याओं को लेकर के वो एसएसपी साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं। तो क्या मामला है ये कौन सा मामला जो आज यहाँ ज्ञापन दिया गया है? ज्ञापन ये दिया गया है हमारे पत्रकार यानी दो पत्रकार साथियों के साथ में थाना अध्यक्ष खैर ने झूठी फरेब षड्यंत्र रच के उनके खिलाफ एक महिला से FIR दर्ज कराई है और उस थाना अध्यक्ष ने अपना स्थानांतरण होने के बाद यानी रात को 10:30 बजे FIR दर्ज किए और FIR दर्ज करने के बाद में वो चले गए वहाँ। जैसा कि आपने इस मामले की जांच की होगी अपने पत्रकारों की, तो पूरा मामला असल में क्या है? असल में मामला ये है कि हमारे जो पत्रकार हैं ये ऑनेस्ट पत्रकार हैं। वहाँ पर कुछ पत्रकार जो थोड़ी गंदी किस्म के पत्रकार हैं, नहीं कहना चाहिए हमें, उन लोगों ने इन पत्रकारों के खिलाफ षड्यंत्र रच करके और ये रचना रचाई है पुलिस से मिलकर। तो इस संबंध में जैसे आज यहाँ सारे पत्रकार इकट्ठे हुए हैं, तो अब SSP साहब से अभी आप मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? कप्तान साहब ने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया है और वो अच्छे आदमी हैं, न्यायप्रिय आदमी हैं, हमें न्याय मिलेगा। उन्होंने कह दिया है कि मैं इसकी निष्पक्ष जांच SSP SPRA साहब से कराऊंगा और तब तक इस केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हो, कुछ नहीं। अगर यहाँ SSP साहब से न्याय आपको नहीं मिलता है और पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होकर उन्हें पकड़ा जाता है, तो आप आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? फिर हमारे उत्तर प्रदेश ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष जी से मेरे इस विषय में बातें हुई हैं। उन्होंने कहा है कि आज आप अपने कप्तान साहब से मिलिएगा, उसके बाद में हम देखते हैं, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे मिलेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे और हम अपने पत्रकारों निर्दोष पत्रकारों को जेल नहीं जाने देंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।